रुक करते हैं प्रदेश की ओर। तेज बरसात का दौर जारी होने के बावजूद विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। भारी बरसात के बावजूद श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु माता जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं पर अपने घर के लिए सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। सुबह से ही तेज बरसात का दौर जारी होने के बावजूद भी विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। भारी बरसात के बावजूद श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। हालांकि श्रवण अष्टमी नवरात्र का दूसरा नवरात्र है और इस दौरान पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु माता जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं पर अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हालांकि तेज बरसात के कारण और धुंध के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु भारी उत्साह के साथ, आस्था के साथ माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि श्रवण महीने में माँ के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रवण अष्टमी नवरात्र के दौरान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी माता के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से और प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें ताकि सुव्यवस्था बनी रहे और वे आराम से मां के दर्शन करके अपने घरों को वापस लौट सकें। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले में आ रहे हैं और मैं महा नैना देवी से कामना करता हूं कि इन सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो, इन्हें अपना आशीर्वाद दें और समस्त देशवासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे प्रशासन ने, हमारे सरकार ने जो श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं के लिए इंतजाम किए हैं, बहुत ही सही इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिलेगा और सभी श्रद्धालु भी इस मेले के प्रबंध में सहयोग दें ताकि शांतिपूर्ण मेलों का, नवरात्रों के मेले संपन्न हो पाए। एक बार फिर मैं इन नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देवी की जय हो। असी पटियाले तो आए हैं, 3 दिन हो गए यहाँ पे। 12-12 दिन लंगर चलता है पटियाला लंगर कमेटी गुड मंडी की पटियाला की तरफ से। यहाँ पे 3 दिन से मौसम इतना बढ़िया हुआ है, किनमनकानी हो रही है, धुंधी धुंध छाए हुए हैं, बादल ही बादल हैं। लोगों के लिए खाना बढ़िया लगा हुआ है और लोग आनंद ले रहे हैं माता के दर्शन करके। सब जय जयकार हो रही है नैना देवी में। जय माता।